ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आपको सब्जेक्टिव शीट में दी थी, शायद शीट नंबर 17-18, मुझे पता नहीं कौन सी शीट नंबर था, उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम थी जो डिस्कस नहीं हुई थी। ये प्रॉब्लम एडिशन ऑफ वेक्टर की है। एडिशन ऑफ वेक्टर में एक प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी कम आती है, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एन टाइम द लीस्ट रिजल्टेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस बी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए माइनस बी। याद है हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था फोर्स वाला, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन दो फोर्सेज हैं, मैक्सिमम फोर्स क्या होगी? 10 और 6 16, और मिनिमम क्या होगी? 10 में से 6 माइनस करो 4। सेम है, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस बी, और मिनिमम क्या हो सकती है? ए माइनस बी। अब वो ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन टाइम द लीस्ट रिजल्टेंट है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, सीधा पहला स्टेटमेंट ए प्लस बी इज एन टाइम्स ए माइनस बी, पहली स्टेटमेंट क्लियर है। इसमें तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ, आपको ये करना नहीं है, आपको ये ओरली पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैक्सिमम फोर्स ए प्लस बी है और मिनिमम फोर्स ए माइनस बी है। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ये गिवन है। आपको एक और चीज इसमें गिवन है, क्या? रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? आर। इज हाफ द सम ऑफ वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड, सम ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए प्लस बी। तो आर की वैल्यू गिवन है हाफ ऑफ ए प्लस बी। उसने कोई वेक्टर लेने को नहीं कहा, उसने कहा जो रिजल्टेंट आर है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए प्लस बी। बस दो चीजें गिवन है और कह रहा है प्रूव कर दो इन दो बातों से कॉस थीटा की वैल्यू है। देखो पहली बात तो ये है, ए प्लस बी इज एन टाइम्स ए माइनस बी, ये मेरे को गिवन है। मैंने क्या किया, इन्हें स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एन स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म कॉमन निकाल ली, तो 1 माइनस एन स्क्वायर, बी स्क्वायर टर्म कॉमन निकाल ली, टू ए बी कॉमन निकाल लिया, तो इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई। यहां से इन दोनों टर्म में से एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1, और ये टर्म एज इट इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म को राइट पे ले गया, माइनस हो गई, और यहां से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। तो मैंने क्या निकाल लिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया। तो कुछ नहीं किया मैंने, इसको स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम निकाल के रख लिया, ये मुझे काम आएगा अभी देखना। फिर मुझे सेकेंड स्टेटमेंट ये गिवन थी कि जो रिजल्टेंट है ए और बी का आर, वो हाफ ऑफ ए प्लस बी है, तो सेकेंड स्टेटमेंट को यूज कर लिया, ये रिजल्टेंट है हाफ ऑफ ए प्लस बी, इसको स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करते ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसे ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, फोर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन आ गई। यहां से फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, और टू ए बी राइट लेफ्ट साइड पे, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर से हमने निकाला हुआ, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो कॉस थीटा जो प्रूव करने आंसर आ गया। बाकी अपना अपना मैथ है, कुछ नहीं किया, इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये कैलकुलेशन आ गई। अब आप ये पूछो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ये एक बार भी नहीं आया हुआ, पर लेकिन ये फिर क्यों करवाया जा रहा है, हर किताब में गिवन है, और ये कोई गारंटी इस पर लिखी नहीं हुई कि मैं आऊँगा नहीं, ये आ भी सकता है। तो मतलब हम तो अपनी तैयारी करें, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से ए बी ए बी ए बी जीरो से कट गया, कैंसिल कर दिया, ये इक्वेशन आ गई, एट कॉस थीटा एक तरफ, टू एक तरफ, ये टर्म भी एक तरफ, एलसीएम लेके ये टर्म आ गई, फिर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा से आंसर आ गया। तो मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कोई ये पूछता है करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि सर स्क्वेयरिंग करनी थी, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो ढूंढ के, मतलब 100 स्टेप में से आपको कहाँ से दिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं फिट होगा, मेरे से तो नहीं होगा ये।
मेरे से भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक बार कर लिया, अब मैं कर लूँगा, अब आप मुझे एक खाली पेपर दो, मैं कर लूँगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना करके ही समझ में आते हैं, आ गया तो देखेंगे, नहीं आ गया तो तब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट आइडिया पता लग गया स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है, बाकी पेपर में देखेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी हैंड रिटन शीट में जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हुआ था, उसके अंदर ये एक क्वेश्चन और है। देखो दोनों क्वेश्चन के लेवल टॉप हैं, इस क्वेश्चन का लेवल भी एकदम ऊपर है। आप एक बार मतलब आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लें और समझ लें, ये भी बड़ी बात है। मैंने ये नहीं कहा आंसर समझ लें, मैंने कहा क्वेश्चन समझ लें बस। देखें जरा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, स्कूल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ये, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, ये क्वेश्चन है क्या। देखो इसमें आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहाँ तो स्टेटमेंट एक दो तीन चार पाँच लाइनों की है, वहाँ तो मतलब हर बंदा सोचता है आराम से पढ़ लूँ, मतलब थक जाता है पाँच छः लाइनों का क्वेश्चन पढ़ के। छोटे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं टू टू लाइनर, तो आराम से पढ़ना है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजन, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपने घड़ी स्टार्ट कर लिया टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5i कैप, 5i कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वो चला एक्स के अलोंग था, एक्स के अलोंग चल पड़ा 5i कैप, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इन एक्स वाई प्लेन। अब वो कह रहे हैं एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल एक्स के अलोंग चला, पर किसी ने ना पता नहीं कहां से फोर्स लगा दी, उस पता नहीं कैसे लगा दी, बस फोर्स लगाई तो ये बेचारा एक्स के अलोंग चल नहीं पाया, ये कहीं ऊपर नीचे चलना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब इसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे, अब ये कैसे मूव करेगा, इन एक्स वाई प्लेन मूव करेगा, कोई डाउट इसमें। अगर मैंने फोर्स ना लगाई होती तो ये 5i कैप के साथ सीधा ही जाता था, पर किसी ने फोर्स लगाई और कुछ एक्सेलेरेशन जनरेट करवा दी, और एक्सेलेरेशन के अंदर i कैप j कैप दोनों हैं, यानी कि x में भी एक्सेलेरेशन है y में भी एक्सेलेरेशन है, तो एक्स वाई प्लेन में उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो ये वेक्टर भी गिवन है। नेक्स्ट है, एट इंस्टेंट, ऐसा चलता गया ये पार्टिकल, एक इंस्टेंट आया जब आपने इस पार्टिकल को देखा, कहाँ गया पार्टिकल, उस इंस्टेंट पर पता नहीं किसी टाइम टी की बात कर रहा है ये, टी इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल चला था, किसी टाइम टी पे जब तुमने इसको देखा उस टाइम पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 84, तो एक्स कोऑर्डिनेट 84 मीटर गिवन था। आपको निकालना है उस इंस्टेंट पर जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 था, उस इंस्टेंट पर इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना था, ये पहला क्वेश्चन है, और उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले ये देखें कि ये बॉडी किस इंस्टेंट की बात हो रही है, तो किस इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी है, तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ लो, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोचना है इसको समझ लो, मुझे सिर्फ एक चीज़ का आंसर दो, मेरे को अगर इसमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है, अगर मेरे को स्पीड निकालनी है, रादर मुझे स्पीड का मतलब वी वेक्टर का मॉड निकालना है, मुझे वी वेक्टर का मॉड निकालना है, इसको स्पीड बोलते हैं, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूं, डी बाय डी टी ऑफ क्या लिखूं, एक्स लिखूं, अगर मैं एक्स लिखता हूं तो वेलोसिटी सिर्फ एक्स के लॉन्ग आ जाएगी, अगर मैं y लिखता हूं तो वेलोसिटी सिर्फ y की आएगी, पर पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, बोथ इन x y प्लेन। तो जरा याद करो, हमने पोजीशन वेक्टर सीखा था, जैसे a का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा y, मैंने बताया भी था मैथ वाले लोग x कॉमा y बोलते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है, आर वेक्टर, फिजिक्स वाले आर वेक्टर में काम करते हैं। अब आर वेक्टर का मतलब है दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मतलब क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसका x कॉम्पोनेंट x है और y कॉम्पोनेंट y है,
तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्स की वैल्यू तो 84 गिवन है, अगर मैं वाई भी निकाल दूं तो आर वेक्टर आ गया। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर में यहां पर क्या पुट करने वाला हूं, आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर में एक्स भी आ रहा है, आर वेक्टर में वाई भी आ रहा है। तो इसमें वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा एक्स वाई प्लेन दोनों में। तो आप सोचेंगे पहले आर क्यों नहीं यूज किया, मोशन वांडी पूरा कर लिया, आर यूज कब किया? वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या तो बॉडी एक्स में मूव करती थी तो डी एक्स बाई डी टी, या वाई में मूव करती थी डी वाई बाई डी टी। अगर बॉडी दोनों में मूव करे तो डी आर बाई डी टी, क्योंकि आर का मतलब है एक्स और वाई दोनों का बना हुआ आर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आर का ये भी फायदा है, जैसे समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि देखो एक्स आई कैप है वाई जे कैप है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप है एंड डी वाई बाई डी टी जे कैप है। देख रहे हो ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो समझ में आ रहा है कि ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या ये पहला रूल क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ और मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, स्पीड निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो मेरा पहला स्टेप माइंड में आता है, मैं किसी तरीके से अगर r वेक्टर निकाल दूं मेरी बात बन जाएगी, ठीक है। अब r वेक्टर की नॉलेज मैंने आपको बता दी, r वेक्टर निकालने का तरीका ही एक है और वो ये तरीका है, r वेक्टर को x और y में ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कोई मेरे को x कोऑर्डिनेट बता दे या उस पार्टिकल की x की वैल्यू बता दे और y की वैल्यू बता दे तो मेरे पास r वेक्टर आ जाएगा, r वेक्टर आएगा मैं डिफरेंशिएट करके v वेक्टर निकाल लूंगा। तो चलो पहले इसका मतलब v वेक्टर नहीं आएगा, पहले कौन सा वेक्टर आएगा, r वेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? r से v निकाल लेंगे। अब r वेक्टर की स्टोरी सुन लो, देखो कैसे हमने इक्वेशन यूज की थी, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने या तो ये x में अप्लाई की थी या हमने ये y में अप्लाई की थी, हमारी बॉडी x और y दोनों में मूव कर रही है। तो यहाँ पर ना तो मैं x यूज करूँगा ना मैं y यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, r यूज करूंगा। तो मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, r वेक्टर है। और क्योंकि हमने उस टाइम तक वेक्टर किए नहीं थे तो मैंने वेक्टर का साइन लगाया ही नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वेक्टर का चल रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर, यानी कि जो r वेक्टर देख रहे हो रहा, वो r वेक्टर का फॉर्मूला सीधा लग सकता है u वेक्टर t प्लस हाफ इंटू a वेक्टर t स्क्वायर। तो इससे सीधा r वेक्टर आएगा। अब u वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है कितना, जब ये बॉडी चली थी तो x के अलोंग चली थी कितना, 5 i कैप। a वेक्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 i कैप प्लस 2 j कैप। तो आपके पास u वेक्टर आ गया, आपके पास a वेक्टर आ गया। अब क्यों ना इस वैल्यू को यहां पुट करें, u वेक्टर की जगह u वेक्टर और a वेक्टर की जगह a वेक्टर, तो आपके पास r वेक्टर आ गया। इसे ओपन कर लें हाफ को इससे मल्टीप्लाई करके, आई वाली टर्म कॉमन निकाल लें आई और जे वाली नेक्स्ट, तो ये आपके पास आर वेक्टर आ गया आई कैप और जे कैप दोनों में। क्लियर है? पर आर वेक्टर मैंने आपको लिखना सिखाया, कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आर वेक्टर की जगह मैंने लिख लिया। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये इक्वेशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आई का कोफिशियंट क्या है, एक्स, और यहाँ पर आई का कोफिशियंट क्या है, ये पूरी टर्म है। तो अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो इसका आई का कोफिशियंट इज इक्वल टू इसका आई का कोफिशियंट, और इसका वाई का कोफिशियंट जे का कोफिशियंट इज इक्वल टू इसका जे का कोफिशियंट। कंपेयर कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5t प्लस 3 बाई 2 टी स्क्वायर, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर। तो मैंने उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स निकाल ली एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। अब मेरे को मेरे क्वेश्चन में x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 84। मैंने 84 वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक बना के टाइम निकाल लिया, यानी कि पूरा क्वेश्चन कितने सेकंड पे चल रहा है, 6 सेकंड पे। और इस t को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया तो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो एक आंसर आ गया, जब x 84 है उसने पूछा y क्या होगा, हमने y निकाल लिया। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो क्या किया मैंने पहले पूरी इक्वेशन लगा दी, u वेक्टर a वेक्टर पुट करके i और j को अलग रख लिया, r वेक्टर को x i कैप y j कैप किया, x को x के साथ कंपेयर, y को y के साथ कंपेयर, दो इक्वेशंस आ गई, x की वैल्यू 84 गिवन है, टाइम निकाल लिया, उस टाइम को यहाँ पुट करके y निकाल लिया, एक आंसर आ गया।
तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमने निकालना है वी वेक्टर। वी वेक्टर ये आपके पास एक्स है, किसी भी टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्स है या इंस्टेंटेनियस वाई है, तो आप क्या करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाई डी टी। आर वेक्टर को लिख लें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स को टाइम की फॉर्म में लिख लें, वाई को टाइम की फॉर्म में लिख लें, तो ये वी वेक्टर आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फाइव बाहर आ गया डी टी बाई डी टी, थ्री बाई टू बाहर आ गया टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसकी जगह टू टी, इसकी जगह टू टी, सॉल्व करके ये वी वेक्टर आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन 6 सेकंड पे चल रहा है, अब इंस्टेंटेनियस में टाइम को 6 और 6 पुट करके वेलोसिटी वेक्टर आ गया। वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्या ये पेपर में आएगा? नहीं आया, नहीं, ये नहीं आया, ये आपको हर ऑब्जेक्टिव बुक में दिखेगा और पेपर में तो आए ना आए। 15 बच्चे तो कम से कम ऐसे होंगे जो किताबें पढ़ेंगे, 15 डाउट तो, 14 डाउट तो फिर भी आएंगे, चलो एक से हो भी गया, कोई तो ऐसा होगा जो डाउट ले। मैं 14 बार बता नहीं सकता इस क्वेश्चन को यार, बहुत बड़ा है, तो मैंने एक गो में बता दिया। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर, वैसे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन नहीं है, बहुत रेयर चांस है, रेयर मतलब सच बताऊँ आज तक तो आया नहीं है, तो इतना रेयर तो वो होता है जो कभी कभी होता है, ये तो है ही नहीं, तो पुराने पेपर में नहीं दिखेगा लेकिन बुक्स में दिखेगा। तो मैंने इसलिए करवा दिया, आपको एक नया आइडिया पता लग गया कि आर वेक्टर से कैसे इक्वेशन को यूज़ करके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है यहाँ तक, तो इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, बात एक्सपीरियंस की है कि एक नया क्वेश्चन का तोड़ क्या होगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया समझ में आता है।